हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। ये क्वेश्चंस जो हैं वो लूसेंट और एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, जो कि प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। ऑप्शंस देखते हैं, जुरैसिक लैंड का, गोंडवाना लैंड का, आर्यवर्त लैंड का या अंगार लैंड का। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो था वो गोंडवाना लैंड का एक अंग था। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, यानी शांतिवन जो समाधि दिल्ली में स्थित है वो किसकी है। ए इंदिरा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री या डी राजीव गांधी की। तो दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि जवाहरलाल नेहरू की है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ए उड़ीसा में, बी मध्य प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में और डी केरला में। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी जयपुर और डी लखनऊ। तो जो सालार जंग संग्रहालय है वो हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा पी, यानी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। ए गरबा नृत्य, बी धूमर नृत्य, सी गैर नृत्य और डी घुड़ा नृत्य। तो स्त्री पुरुष दोनों के लिए है वो गैर नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, पतंजलि का संबंध किससे है। इसके ऑप्शंस देखते हैं, ए वैशेषिक दर्शन, बी न्याय दर्शन, सी सांख्य दर्शन और डी योग दर्शन। तो जो पतंजलि का संबंध है वो योग दर्शन से है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा डी, योग दर्शन। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। ऑप्शंस देखते हैं, राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी रामकृष्ण परमहंस और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं वो राजा राम मोहन राय हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। ए सिक्किम में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी केरला में, डी नागालैंड में। तो जो लोसांग एक उत्सव है वो सिक्किम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ए, सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 9, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। ऑप्शंस देखते हैं, ए हिंदू धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी जैन धर्म से और डी ए और बी। यानी एलोरा का जो गुहा मंदिर है वो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा डी, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 10, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। ए चैत्र, बी भाद्रपद, सी माघ और डी वैशाख।
तो शक कैलेंडर का पहला महीना जो होता है वो चैत से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ए चैत्र। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, चार मीनार कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी औरंगाबाद और डी आगरा। तो जो चार मीनार है वो हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा बी यानी कि हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस देखेंगे, 1 फरवरी को या 1 मार्च को या 1 अप्रैल को या फिर 1 मई को। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? ए तदर्थ, बी दैनिक भोगी, सी स्थाई और डी अस्थाई। तो नौकरशाही की जो नियुक्ति की प्रकृति होती है वो अस्थाई होती है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन देखते हैं, ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी गोवा, डी असम। तो जो गिरनार की पहाड़ियां हैं वो गुजरात में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ए गुजरात। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? एक माइकल एंजेलो नामक वायरस आया था और वो विश्व में चिंता का सबसे ज़्यादा कारण बन गया था। तो देखते हैं कब आया था। क्वेश्चन नंबर ऑप्शंस देखते हैं, ए 1993, बी 1996, सी 1998 और डी 1995। तो माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का जो कारण बना वो 1993 में बना था। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ए 1993। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।